इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं से वाई, लेट वाई इक्वल्स टू दिस वन, इक्वेशन नंबर वन हो गई, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टाइम्स कॉस एक्स। दो फंक्शन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, से ये फर्स्ट फंक्शन हो गया आपका और ये क्या हो गया आपका कॉस एक्स, सेकेंड फंक्शन हो गया, तो फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड कॉस एक्स एंड कैसे सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है तो यहाँ से आ जाएगा एक्स साइन एक्स, माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस यहाँ पे एक्स का वन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स, से इक्वेशन नंबर टू, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। लेकिन आपको क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है तो एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। तो ये दो टर्म है, इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पे दो फंक्शन है आपके पास, से ये फर्स्ट है और ये क्या हो गया आपके पास सेकेंड हो गया, तो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लगा देते हैं, प्रोडक्ट रूल, तो दैट इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड मतलब साइन एक्स और प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा तो यहीं पे लिख देते हैं माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो एक्स साइन का कॉस हो जाएगा और यहाँ एक्स का वन हो जाएगा साइन एक्स लिख देंगे, ठीक है, माइनस साइन एक्स, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स और ये माइनस साइन एक्स कितना हो जाएगा आपका माइनस टू साइन एक्स, तो माइनस टू साइन एक्स, ठीक है।